तो चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं यहाँ राजीव स्मृति वन, जिसको हम ऊर्जा पार्क कहते हैं। मैंने यहाँ पर टिकट ले लिया है, यहाँ साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ आप ले सकते हैं। एक व्यक्ति का 20 रुपये यहाँ पर टिकट रखा गया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ऊर्जा पार्क में कि क्या क्या देखने लायक यहाँ पर है। चलिए अंदर चलते हैं। ऊर्जा पार्क में देखने लायक सबसे अधिक जो अच्छा चीज़ है वो है गार्डन। यहाँ आप बहुत से प्रकार के फूल, पौधे और झूला वगैरह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर गार्डनिंग हुआ है। तो चलिए हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर टिकट दिखाना पड़ेगा, यहाँ टिकट को चेक किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं, फिर अंदर बहुत से स्थान है देखने के लायक। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर ऊर्जा पार्क के अंदर, और ऊर्जा पार्क में अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अभी हमने काउंटर में टिकट चेक करवाए, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार का व्यू है। यहाँ फूलों का बहुत ही अच्छे अच्छे फूलों का यहाँ पर भंडार है, तो आप देख सकते हैं। अंदर भी दिखाएंगे जहाँ पर झूला वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर पानी पीने के लिए व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, पानी ले सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार का व्यू अंदर में है। आगे और भी बहुत शानदार व्यू है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अंदर का व्यू किस प्रकार का है। कौन से फेसबुक में चल रही है ना, तो लाइक वाला भी देखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एनर्जी पार्क रायपुर का यहाँ पर गार्डन देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है, और कुछ फूल इस प्रकार के हैं। बहुत सारे फूल हैं वैसे यहाँ पर। इस तरीके का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ पर। ये सब है, यहाँ पर आप बैठ के आराम कर सकते हैं। यहाँ कुर्सी वगैरह लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ। तो फिर यहाँ आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं, और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही शानदार है। यहाँ पर एनर्जी पार्क रायपुर का मोनो लगा हुआ है, और आगे और भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से कुछ व्यू है पीछे का। तो आप यदि थके हारे आते हैं तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, और पेड़ का छाया भी है, तो बैठने में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, शांति मिलता है यहाँ पर। तो चलिए आगे अब हम आपको दिखाते हैं और भी शानदार गार्डन बना हुआ है इधर। यहाँ एक छोटा सा आप देख सकते हैं फाउंडेशन चलता होगा शाम के समय, अभी तो पानी खाली है। ऊपर से सीढ़ियाँ जैसा बना हुआ है, तो स्टाइलिश लग रहा है यहाँ पर ऊर्जा पार्क में। शायद ये शाम को चलता होगा लाइट और फुहारे के साथ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का व्यू है ऊर्जा पार्क में। फूलों का तो यहाँ पर बहुत बौछार है। कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज का मशीन लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा पार्क में यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान आपको मिल सकता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लोकेशन है। तो यहाँ आपको स्नैक्स मिल सकता है,
मैगी वगैरह शायद यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी सामान है वो यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको बोटिंग का भी सुविधा मिल सकता है। ऐसा क्या दोस्तों, यदि आप बोटिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ से फिर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ आगे आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। कुछ राशि लेते हैं उसके लिए, मेरे ख्याल से 50 रुपये के आसपास। और यहाँ पर आपको बहुत से प्रकार का झूला आपको झूलने के लिए मिल जाएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं लिया जाता है। तो यदि आप झूला का शौक़ रखते हैं तो भी आपके लिए यहाँ सुविधा है। और बाकी घूमने के लिए तो गार्डन वगैरह है ही, 20 रुपये देकर आप ये सब का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, मैं तो बाहर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आपका टिकट चेक होता है, जैसे पहले भी बताया था। अब मैं क्योंकि अंदर से घूम के आ चुका हूँ, तो अब मैं जाऊँगा। तो उस जब मैं अंदर गया था तो कोई मोबाइल अपना भूल गया था, देखिए ये वाला मोबाइल है, तो फ़ोन लगाया था, तो मैं इसको वापस करने जा रहा हूँ। तो आएगा, मैं गेट के सामने बुलाया हूँ, तो उसको दूँगा। तो छोड़ के चला गया था, तो मैं आसपास पूछा कि ये मोबाइल किसका है करके। ये वाला मोबाइल है दोस्तों, तो कोई भी नहीं बताया, तो मैं उसको आपका मोबाइल है क्या? अच्छा है, तो व्लॉग बना रहा था। हाँ, मैं बना रहा था। तो ये भैया का मोबाइल है जिसको मैं वापस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे नेक दिल इंसान बहुत ही कम ही मिलते हैं। अगर भैया यूट्यूबर है तो इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू भैया। ठीक चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं बाहर, और फिर कभी आएंगे, क्योंकि कुछ बाहर और काम से जाना था, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया। तो अब मैं जा रहा हूँ।